हेलो एवरीवन, क्लास 12 सीबीएसई कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 10 हमारा चल रहा है, दैट इज़ नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जैसे कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मल वे में अगर हम ओरल कम्युनिकेशन भी करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, उसी के आधार पर हम कम्युनिकेट सक्सेसफुली कर पाते हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी वही होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि देर इज़ समथिंग रूल्स फॉर द कम्युनिकेशन, सो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। अ प्रोटोकॉल मीन्स अ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क, जो जो कि नेटवर्क के लिए ज़रूरी होंगे, और उसी के रूल्स के आधार पर जो है नेटवर्क पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। सो प्रोटोकॉल डिफाइन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फॉर अ डेटा पैकेट्स टेक्निक्स एंड डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स एंड सो ऑन। जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो डेटा को सेंड करना, पैकेट को सेंड करना, रिसीविंग एंड पे उस पैकेट को कलेक्ट करना, उसको रीजनरेट करना, देन अगर कोई आपका पैकेट उसमें फाइंडिंग नहीं है तो देन रीसेंडिंग का भी रिक्वेस्ट डालना। तो ये सारे काम जो होते हैं वो प्रोटोकॉल्स के आधार पर प्रोटोकॉल्स पर होते हैं। तो देखो यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लेट इज अज्यूम दैट, यहाँ पे ए और बी तो एग्जांपल दिएगी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे, वो अपने थॉट्स को आइडियाज़ को कैसे किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे। सो बट इट टर्न्स आउट दैट बोथ ए एंड बी आर इगोइस्टिक। अगर दोनों इगोइस्टिक है, बात अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? सो दे स्टार्ट टॉकिंग अगेन साइमल्टेनियसली। जो कि जो इगोइस्टिक पर्सन है वो एक साथ दोनों ही बात कर रहे हैं तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? एक का एक को भी सुनाई नहीं जाए तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। देन पॉजेस द ब्रीथ साइमल्टेनियसली एंड द स्टार्ट टॉकिंग अगेन। नाउ इमेजिन द कन्फ्यूजन ऑफ चॉइस। तो इस तरीके से जो भी कन्फ्यूजन होगा या मतलब जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल के आधार पर ही यहाँ पे कम्युनिकेट हमें करना है। तो इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है। पहला प्रोटोकॉल है आपका HTTP प्रोटोकॉल, दैट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल विद द लाइटनेस एंड द स्पीड नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी स्पीड है वो रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी स्पीड जो रिक्वायर्ड होती है वो कोलेबरेटिव एंड हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाइपर मीडिया का मतलब है कि यहाँ पर आप जो है हर तरीके के पिक्चर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सब तरीके का जो इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। सो रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग अ हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट में ये सारी चीज़ें आती है कि टेक्स्ट भी, ग्राफिक्स भी, इमेजेस भी, साउंड्स एंड वीडियो, ऑल दैट, ठीक है। सो कहाँ पर? लेकिन www पर, ठीक है। सो इट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मीडिया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू सेट ऑफ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट दैट इज ऑन अ www पर ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ होती है। और फीचर्स ऑफ HTTP इज अ टाइपिंग ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो भी है डेटा रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है। अलाउिंग सिस्टम टू बी बिल्ट इन इंडिपेंडेंटली ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड एंड HTTP हैज बीन, ये जो है किस किसके द्वारा यूज़ किया गया? तो www के द्वारा, कभी 1990 से इसको जो है HTTP आपका यूज़ में है। तो HTTP को ही स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होगा। नाउ द नेक्स्ट, HTTP जो है वो कम्युनिकेशन आपके कहाँ से कहाँ पे भी इस्टेब्लिश करेगा, और अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ भी। जैसे कि अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे कि मेल प्रोटोकॉल्स है, न्यूज़ वाले प्रोटोकॉल्स है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं, गोफर्स है, इस तरीके से यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा, किसके बीच में? एजेंट्स और प्रॉक्सीज के बीच में या गेटवेज के बीच में। सो HTTP ऑल्सो यूज एज ए जेनेरिक प्रोटोकॉल फॉर अ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एजेंट एंड प्रॉक्सीज गेटवेज ऑन अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन से? जैसे SMTP, NNTP एंड ऑल। सो अलाउिंग द हाइपर मीडिया एक्सेस, तो हाइपर मीडिया एक्सेस मीन्स हाइपरटेक्स्ट के जो भी फाइल्स होंगी जैसे ऑडियो, टेक्स्ट या फिर इमेज, ऑल दैट। सो रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम ड्राइवर्स एप्लीकेशन मीन्स अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए जो है ये अवेलेबल होगा एंड सिंप्लीफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ यूजर एजेंट। तो यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान होता है। ये जो प्रोटोकॉल है ये टू फेयरली डिस्टिंक्ट आइटम्स इसमें होंगे। तो क्या क्या? एक तो रिक्वेस्टिंग और रिस्पॉन्डिंग। तो रिक्वेस्टिंग कहाँ से? जो कि आप अपने ब्राउजर से करोगे। द सेट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर्स टू अ सर्वर,
जो भी सेट ऑफ रिक्वेस्ट है कहाँ से, ब्राउजर से सर्वर की तरफ, और सर्वर से क्या होगा, सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज गोइंग बैक टू द अदर वे, इस तरीके से। एंड द ऑल दिस जो भी HTTP है वो डिज़ाइन किस लिए किए जाते हैं, वेब के लिए, यूज़ इन द वेब, वेब में डिज़ाइनिंग होते हैं इसके, और मोस्टली जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में इसमें HTTP के कुछ बिल्ट इन रिक्वेस्ट मैथड्स होंगे, वो बिल्ट इन रिक्वेस्ट मैथड किस लिए यूज़ किए जाएंगे, जैसे कोई वेब पेज रीडिंग है, या फिर वेब पेज का हेडर रीडिंग है, या फिर कोई वेब पेज आपको स्टोर करना है या रिमूव करना है, तो ये सारी जो है इसमें बिल्ट इन रिक्वेस्ट्स पाई जाती है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका आता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि इट इज़ यूज फॉर द ट्रांसफरिंग द फाइल ओवर द इंटरनेट, ओके। वन ऑफ द ओरिजिनल सर्विसेज ऑन द इंटरनेट वॉज डिजाइन टू अलाउ द ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, सो इट गोज बाय द नेम दैट FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि ये आपकी फाइल कौन सी है, ASCII फाइल है, ASCII फॉर्मेट है या बाइनरी फॉर्मेट है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो इसके एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज तो यही है कि नेटवर्क में आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फाइल ट्रांसफर के लिए बहुत यूजफुल होगा। अगेन नेक्स्ट थिंग कि जियोग्राफिकली डिस्पर्स ग्रुप जो कोऑपरेट करेंगे ऑन अ प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आपके फाइल ट्रांसफर के लिए बहुत ही इफेक्टिव वे होगा। अनदर वे इज इट इज़ अ पोटेंट पॉपुलर वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, तो बहुत ही पॉपुलर वे है फाइल को ट्रांसफर करने का, शेयर इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। अभी जो फाइल ट्रांसफर FTP जो होंगे, ये सिर्फ प्रोटोकॉल ही नहीं बल्कि इट इज़ ऑल्सो कमांड। तो कमांड किस तरीके से इशू करेंगे हम, जस्ट हम लोग क्या लिखेंगे, फाइल ट्रांसफर FTP लिखेंगे और FTP के बाद में पर्टिकुलर साइट का नेम लिखेंगे, इस तरीके से हम कमांड देंगे। दैट मीन्स कि आपकी मशीन है वो क्लाइंट रिक्वेस्टिंग है, और यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है कि ftp newday.horizon.com, दैट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग दिस पर्टिकुलर पेज, द FTP रनिंग ऑन योर सिस्टम इज अ क्लाइंट, आपके सिस्टम में जो FTP रनिंग है वो आपका क्लाइंट होगा, बिकॉज यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर द पर्टिकुलर पेज, एंड द FTP प्रोसेस एट द एक्ट एज अ सर्वर ऑन अ newday.horizon.com, सो एट यू इशू द कमांड FTP प्रोसेस newday एट इट रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, इस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, इसी को लेयर्ड प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका लेयर्ड प्रोटोकॉल होगा, वो किस तरीके से होगा, जैसे कि आपको कोई मेल सेंड करना है, ओके, और टिपिकल सिचुएशन इज अ सेंडिंग अ मेल, फर्स्ट देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर अ मेल, तो पहले सबसे पहले तो मेल के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ किए जाएंगे, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है या POP, इस तरीके से वो मेल के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाएगा, और उनके साथ में TCP/IP जो है वो कंपेटेबल होगा। सो दिस डिफाइन अ सेट ऑफ कमांड विच वन मशीन सेंड्स टू अनदर, मीन्स आपको पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ आपका सेंड हो रहा है, और हु इज द सेंडर, व्हाट इज द मैसेज, दिस ऑल थिंग्स विल बी अ कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दैट इज हाउएवर दिस प्रोटोकॉल अज्यूम देयर इज अ वे टू कम्युनिकेट रिलायबली बिटवीन अ टू कंप्यूटर्स, तो दो कंप्यूटर के बीच में रिलायबली कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो, और मेल लाइक अदर प्रोटोकॉल्स भी जैसे होंगे सिंपली डिफाइन द सेट ऑफ कमांड, जैसे अदर प्रोटोकॉल भी सिर्फ सेट ऑफ कमांड्स ही तो डिफाइन करते, सेट ऑफ रूल ही डिफाइन करेंगे, तो वैसे यहाँ पे TCP/IP टुगेदर यूज़ किए जाएंगे, डिजाइन किए जाते हैं जैसे मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। तो TCP किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो TCP आपके जो है मेक श्योर दैट योर डेटा इज ट्रांसफरिंग इज रिलायबल और नॉट, इट इज़ दैट इज़ कि आपका जो डेटा है कि कम्प्लीटली आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो डेटा है आपका वो मैसेज में जो मैसेज है आपका सॉरी मैसेज वो पर्टिकुलर डिफरेंट डेटाग्राम्स या पैकेट्स में डिवाइड होता है, एंड ये जो डेटा पैकेट्स है ये सेंड किए जाते हैं सेंडर मशीन पर, और ये जो सेंडर मशीन है फिर इन डेटा पैकेट्स को कलेक्ट करती है और उस मैसेज को रिबिल्ड करती है। तो इस तरीके से जो है TCP रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ट्रांसमिटिंग अ डेटा, ट्रांसमिटिंग अ पैकेट्स। और IP का क्या काम होगा, IP इज अ एड्रेसिंग, जहाँ पे आपका पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मशीन का एड्रेस होगा वहाँ पे आपको ये सेंड करवाएगा। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स होंगे, जनरली TCP एप्लीकेशन यूजेस 4 लेयर्स, तो कौन से 4 लेयर्स है वो, तो पहले तो है कि आपका एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सच एज अ मेल, जो भी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होगा वो। अनदर थिंग TCP, तो TCP का क्या काम होगा, प्रोटोकॉल सच TCP दैट प्रोवाइड सर्विसेज नीड बाय मैनी एप्लीकेशन, जो भी अदर एप्लीकेशन सर्विसेज रिक्वायर्ड करिए वो उसको
प्रोवाइड करेगा। फिर आईपी का क्या काम होगा, तो जो भी डेटा ग्राम्स है या जो भी डेटा पैकेट्स है वो डेस्टिनेशन मशीन तक के पहुंचाने का। सो विच प्रोवाइड्स द बेसिक सर्विस ऑफ गेटिंग डेटा ग्राम्स टू देयर डेस्टिनेशन। द अदर वे इज द प्रोटोकॉल नीडेड टू मैनेज अ स्पेसिफिक फिजिकल मीडियम। ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, मैनेजेस करेगा फिजिकल मीडियम को एस्टैब्लिश करेगा, जैसे कि इथरनेट है या पॉइंट टू पॉइंट है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।